करण जौहर भाई साहब, इसके पिछवाड़े में अभी एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। दुख इसका, दर्द इसका इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठकर बॉलीवुड इंडस्ट्री की बर्बादी का रोना रो करा रहा है। आप लोग सबसे पहले तो इस तस्वीर को देखिए, आलिया भट्ट और करण जौहर एक साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडिया के मंच पर जाते हैं और वहां बैठकर बोल के आते हैं भाई साहब कि क्रिकेट और बॉलीवुड इस भारत देश की दो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट फोर्सेस हैं। क्रिकेट का तो मतलब सब कुशल मंगल चल रहा है, करोड़ों लोग क्रिकेट के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, पर जो दूसरी फोर्स है वो भी बड़े बुरे तरीके से सफर कर रही है। दूसरी फोर्स बोले तो बॉलीवुड भाई साहब। भारत देश की जनता ने इस इंडस्ट्री को बड़े बुरे तरीके से बॉयकॉट कर रखा है। हमारे करोड़ों रुपए हमारी बड़ी बड़ी और भारी भरकम बजट की फिल्मों के ऊपर बर्बाद हो जा रहे हैं। हम चाहे कितना अच्छा भी कंटेंट क्यों ना बना ले, लोगों को इससे भाई साहब घंटा नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारी फिल्में ही नहीं बल्कि लोगों के गुस्से का शिकार तो इस इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स भी बन रहे हैं। इनको हर आए दिन सोशल मीडिया पर बड़े बुरे तरीके से ट्रोल करा जाता है वगैरह वगैरह, और भी ढेरों लटर पटर बातें इस बॉलीवुड की बुआ कहे जाने वाले मिठे डायरेक्टर करण जौहर ने बोली। मतलब एक तरह से इन लोगों ने भारत देश की जनता को ही गलत ठहरा दिया, पर इनके द्वारा वो सब कतई नहीं बताया गया कि आखिर लोगों ने इनका डंडा करना शुरू ही क्यों करा था। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए। हेलो, लाइक यू नो, मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द इंडस्ट्री। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरे चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द देखा देखा। पहला कारण तो हो गया नेपोटिज्म का, जिसमें इनकी बहुत मर्जी चलती है कि मैं चाहे अपने फुफ्फी के बेटे को लॉन्च करूं या अपनी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। दूसरा कारण हो गया सुशांत सिंह राजपूत जैसे टैलेंटेड एक्टर्स का, जिनको इनके जैसों ने खूब दबाकर टॉर्चर किया। भाई साहब वो सारे प्रयास किए कि सुशांत जैसे एक्टर्स खुद ब खुद ही इंडस्ट्री को छोड़कर तंग होकर चले जाए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर उनके जैसों के साथ क्या किया गया, ये तो आज सारी दुनिया को पता है। तीसरा कारण हो गया जो ये लोग चोरियां चकारियां करने से कतई बाज नहीं आते, इधर उधर से दूसरों की मेहनत को टपा खुद की फिल्में बना लेते हैं। कभी साउथ वालों को चूना लगाते हैं तो कभी भाई साहब हॉलीवुड वालों की मलाई खुद ही खा जाते हैं, और फिर जब खुद कुछ करने की ठानते भी हैं तो 500 करोड़ में ब्रह्मास्त्र के जैसी टट्टी बना डालते हैं, और फिर ये रोना रोने लग जाते हैं कि लोग तो भाई साहब हमारा मजाक उड़ा देते हैं, हमारी फिल्मों का बड़े बुरे तरीके से बहिष्कार कर देते हैं, जिससे हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जी ऐसे में मैं तो इस करण जौहर को बस इतना ही कहना चाहूंगा। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे इस पेज के साथ जुड़े हुए नहीं है तो क्या कर रहे हैं भाई साहब, जुड़िए ना, जुड़ करके हमारी आवाज और हमारी इस मुहिम को और बुलंद करिए। मैं मिलता हूं आप सभी से थोड़ी देर में और एक दिलचस्प अपडेट के साथ।